हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाजी ऑन द वे। सत श्री अकाल गाइस। हाँ जी गाइस, सो आज है दिवाली। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली। आप सबको बंदी छोड़ दिवस की लक लक बधाई हो। सो गाइस, अभी का फिलहाल ऐसा कुछ सीन है कि मैं और पापा जा रहे हैं पटाखे खरीदने, क्योंकि मैं लाया नहीं हूँ, क्योंकि अब इंटरेस्ट उतना कुछ रहा नहीं यार। बचपन में थोड़ा करते थे, अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे वो इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा है। बट फिर मम्मी बोले शगुन के लिए थोड़े बहुत पटाखे तो लाने चाहिए, तो वही अभी मैं और पापा जा रहे हैं पटाखे लाने। सोचिए गाइस, वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके बताऊँगा आपको। जी गाइस, मैं और पापा निकल गए पटाखे लाने, एंड हम लोग हर साल साथ में ही जाते हैं और मेरे पापा के साथ ही मज़ा आता है। चलिए गाइस, अभी वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके मैं बताऊँगा कितने सारे स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पर पटाखे के। हाँ जी गाइस, हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं जहाँ पर काफ़ी सारे पटाखे के स्टॉल्स लगे हैं। सो कुछ ऐसा दिखता है वो एरिया। सो चलिए गाइस, अभी अंदर चलते हैं, वहाँ जाके थोड़े पटाखे खरीदते, थोड़े ही, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ बजाने वाला नहीं हूँ। मम्मी ने खाली शगुन के लिए थोड़े बहुत लेके आओ बोले, तो मैं इसलिए लेके आया। गाइस, हम लोग अभी अंदर आ गए हैं और काफ़ी 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 ज़्यादा धूप है यहाँ पर, एंड काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हैं, मैं जैसे कि आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। सो देखिए, यहाँ पर अच्छा है, फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी है, कोई इमरजेंसी अगर बाई चांस कुछ हुआ तो। ये अच्छा सेफ्टी साइड लिया गवर्नमेंट ने। एंड चलिए गाइस, छोटे पटाखे देखते हैं, खरीदते हैं यहाँ पर। सो स्टेटिंग जब तक के लिए। सो पापा, यहाँ पर कितने साल से स्टॉल्स लगते हैं? कम से कम 20-25 साल हो गए हैं लगा रहे हैं। अच्छा, तो काफ़ी गाइस बहुत पुराने स्टॉल्स हैं यहाँ पर, एंड ऐसा नहीं कि वो इस, हाँ तो ये गुरुद्वारे का ग्राउंड है, यहाँ पर सारे पटाखे के स्टॉल्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे से सेम ही है, बट अलग अलग भी लगते हैं। सो देखते हैं हम लोग कहाँ से खरीदे, कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि बाकी सब कॉमन ही सेम ही दिख रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, देखते कोई स्टॉल पसंद आए तो। मैं तो वैसे तो मेरे स्कूल के एक जो सर रहते थे राहुल सर, उनकी एक स्टॉल रहती थी यहाँ पर, उनके भाई या कोई फ्रेंड लगाते थे, वो दिख रहा, अगर वो मिल गई तो मैं वहीं से खरीद लूँगा। देखते हैं वो स्टॉल कहाँ है, यहाँ तो नहीं दिख रही। सो जो हम लोग एक्चुअली पीछे के साइड से आए थे, इसका फ्रंट यहाँ पर है। सो देखिए यहाँ पर 1 स्टॉल नंबर 1, यहाँ से पूरा लाइन लगे सर। सो हम लोग तो वही ढूंढ रहे यार, मेरे सर की दुकान मिल जाए तो अच्छा है, उनसे मिलना भी हो जाएगा। गाइस, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टॉल्स है, एंड काफ़ी बड़े बड़े स्टॉल है गाइस, फुल, टोटली फुल है। मुझे तो मेरे बचपन के दिन आ गए यार, लोग बचपन से यहाँ से लेने आते हैं पटाखे, तो काफ़ी मज़ा आता है, और हर बार पापा के साथ आने का तो फीलिंग ही अलग है गाइस, बहुत मज़ा आती है यहाँ पर देख के। सो अभी तक वो स्टॉल तो मिली नहीं गाइस, अभी तक उसकी तलाश जारी है, देखते हैं आज मिलेगी कि या नहीं। फाइनली हम लोग, मेरे जो सर की दुकान है वो तो नहीं मिली, हम लोग दूसरी दुकान से ले रहे हैं यहाँ पर। सो देखते हैं यहाँ पर से कुछ ट्राई करना चाहेंगे, देखते हैं आपने रीजनेबल में मिलती है या नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा पटाखे तो चाहिए नहीं। सो देखते हैं, चलिए स्टेट हो जब तक के लिए। हम लोग ने फाइनली पटाखे सेलेक्ट कर लिए हैं, सो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो ये तो गाइस, ये सब तो मम्मी के लिए है, ये खासकर मैं ले रहा हूँ शॉर्ट्स और लड़ी, ये बांधने का मज़ा ही कुछ और है गाइस। तो ये हमें लड़ी से लेके चलिए गाइस, अब पटाखे की शॉपिंग तो हो गई, अब चलते हैं घर। एंड ये भैया, आपकी स्टोर का नाम क्या है, दुकान का नाम क्या है? 20 नंबर शॉप। अगर आप नांदेड़ से पटाखे ले रहे हो तो 20 नंबर शॉप में आइए गाइस, आपको रीजनेबल रेट में अच्छे पटाखे मिल जाएंगे। एंड भैया भी ने मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया है। सो ये कोई पेड नहीं है गाइस, मैं ऐसे मेरे दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला है स्टोर पर, तो होप करता हूँ आपको भी मिलेगा। सो 20 नंबर दुकान पर आइए गाइस, यहाँ पर स्टैंडर्ड फायर क्रैकर्स लिखा हुआ है, तो ये दुकान से ले लीजिए। सो जैसा कि मैंने देखा आपने, दोपहर में मैं पटाखे लेके आया, उसके बाद मैं सो गया था, आराम कर रहा था, कि शाम में अभी दिवाली हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो अभी मैं कर रहा हूँ मम्मा की हेल्प, एंड मम्मा बना रही है रंगोली, अब मैं भी मम्मा की हेल्प करूँगा। सो चलिए गाइस, मैं अभी मम्मी की हेल्प करता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। राज मम्मी को रंगोली बनाने में हेल्प कर रहा है। तो मैंने ये रंगोली ड्रॉ की है, बताना खुद में कैसी लग रही है। और दिवाली स्टार्ट हो गई गाइस, गाइस सो वंस अगेन विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली। सो गाइस, मैं भी हो गया रेडी,
एंड थोड़ी देर में पापा करेंगे दिवाली पूजा अरदास एंड उसके बाद हम लोग थोड़े फोटिंग के फटाके और उसके बाद सबके घर पे जाएंगे एक एक से दर्शन करने, सबने कैसा पूजा की है वो देखने के लिए। सो चलिए गाइस स्टे ट्यून और मैं बताता हूँ कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल। हाँ जी गाइस, तो चारों तरफ फटाके फूटा स्टार्ट हो गए हैं। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं, बट मैं ऊपर से दिखाऊंगा नांदेड़ का सीन पूरा अभी आपको। थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट होने वाली है और मम्मी यहाँ पर बाल रहे दिए। मम्मा खाने में क्या क्या बनाया? पकोड़े, कढ़ी, हरी भाजी, पूरी, पूरी, खीर। ओफो, ये तो मेरा फेवरेट है यार। तो चलिए गाइज आज मज़ा आएगा डिनर करने में एंड पापा भी रेडी हो गए हैं। थोड़ी देर में पूजा अरदास होने वाली है सो जल्दी से आपको मैं वो दिखाऊंगा। और अभी फिलहाल मैं आपको डेकोरेशन दिखाता हूँ कि पापा ने क्या डेकोरेशन किया है। गाइज ये देखिए इतना मस्त लग रहा है यार। इसे घरौंदा कहते हैं गाइज, ये हम लोग हर साल सजाते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर हमारे महाराज या लक्ष्मी जी की फ़ोटो है और ये है अपना माल। और पापा ने पूरे रूम में ही डेकोरेशन किया है गाइस देखिए। सो कुछ ऐसा डेकोरेशन किया है हम लोगों ने दिवाली पे। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अब पूजा की तैयारी करते हैं, पूजा के बाद बताता हूँ गाइस क्या करा है। अभी यहाँ पर रियल दिए जला दिए हम लोगों ने अभी, जिससे काफ़ी और रौनक आ रही है गाइस और अच्छा लग रहा है देखिए। सो गाइस हम लोगों ने बाहर भी दिए जलाए हैं और मैंने एक एक्चुअली रंगोली ड्रॉ की है जो आपको अभी दिखाऊंगा। चलो दिखाता हूँ अभी जल्दी। सो गाइस ये मेरा कारनामा है जो कि आप देख सकते हो और आज क्या सुंदर लग रहा है देखिए पूरा घर। दिए जलाए हैं मम्मा ने लाइन से। श्री भगवती जी साय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दिया, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास से हुई सहाय। हर जन हर गोविंदनो सिमरो श्री हर राय, सिर जिए रिठे सब दुख जाए, प्रत्येक बहादुर सिमरिए करनो दयावे दास सब छाई हुए सहाय। दसे पातशाह साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बंदे वाले सब खाई हुए साहब। दसा पातशाह ने आदमी स्वरूप जागति जो धन धन श्री गुरु जी महाराज सब खाई हुए साहब। चार साहेबजादे साहेब अजीत सिंह जी, साहेब जुजार सिंह जी, साहेब जोरावर सिंह जी, साहेब फतेह सिंह जी, पंज प्यारियो चाली शहीदो मुरीदो सच्चारियो प्यारियो सब छाई होए साथ। माता मैया जय लक्ष्मी माता, सभी चाचा है दर्शन करने के लिए।
चाचा पापा और मम्मा तीनों ने अभी हम लोग जस्ट आरती कंप्लीट की है, सभी वो दर्शन कर रहे हैं। चलो गाइस आप फटाके बजाते हैं, चलते हैं चाची जी के वहाँ मठा देखने। एंड चाची जी ने भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग की, देखिए घर को। हैप्पी दिवाली चाची जी, और कैसे हो? सत श्री अकाल। वाह देखिए गाइस ऑसम, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया चाची जी, गाइस। घर पे दिवाली सेलिब्रेट करने की वाइब भी अलग होती है यार। अभी हम लोग सोडी खानदान में ऐसा हुआ है कि हम लोग ना जब पहले मीन अपने अपने घर में आरती करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद हर एक के घर में आके दर्शन करते हैं, मठा टेकते हैं एंड आप सबको हैप्पी दिवाली विश करते हैं। जैसे कि मैं अभी चाची जी के पास गया, अमित ताई जी के पास जाऊँगा और शनि भैया मिक्की भैया सबके घर पर जाऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा सब लोग कितना अच्छा डेकोरेशन किया। चलिए गाइस चलते हैं, अब चलते हैं ताई जी के वहाँ दर्शन करने। एंड ताई जी ने काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। हैप्पी दिवाली ताई जी। हैप्पी दिवाली राज। हैप्पी दिवाली ताई जी। चलो ताई जी ने कुछ इस तरह डेकोरेशन किया है। और कैसे दोस्तों ताई जी, बहुत अच्छा किया ताई जी। अब मैं जा रहा हूँ ऋषि के घर पर दर्शन करने दिवाली पूजा के लिए, सो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं ऋषि उन्होंने कैसा डेकोरेशन किया। हैप्पी दिवाली ऋषि, और कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू बता। बस बढ़िया भाई। ओ हैप्पी दिवाली सुकुना भाभी जी, और कैसे हो? बढ़िया। बस हाँ चलो, ये है ऋषि का डेकोरेशन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छा किया सुखना भाभी जी, अच्छा। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। चलिए गाइस आप जाते हैं अमन के घर एंड वहाँ देखते हैं डेकोरेशन कैसा किया। चलते हैं शर्मा के घर एंड वहाँ पर अमन, सोनू भैया, जूही भाभी, रिया भाभी सब मिलेंगे एंड वहाँ का डेकोरेशन देखते हैं कैसा किया उन लोगों ने। ये उनका डेकोरेशन। हैप्पी दिवाली। ओ
दोनों भैया और जूही भाभी। वाह, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। चलिए गाइस अब अंदर चलते हैं एंड डेकोरेशन देखते हैं। सो गाइस अभी सोनू भाई और जूही भाभी को वंस अगेन बोलते हैं हैप्पी 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 दिवाली। और चलिए गाइस अब देखते हैं अरविंद। हाय बोलो अरविंद, हाय बोलो जल्दी। मस्ती तो चलती रहती है गाइस बच्चों की। और कौन भाभी जी आ चुके हैं। हैप्पी दिवाली भाभी जी। थैंक यू। हैप्पी दिवाली बोलो अरविंद। हैप्पी दिवाली। ओफो, चलिए गाइस अंदर चलते हैं अब। अभी मैं जा रहा हूँ निहारी के घर पे, उनको विश करते हैं जीजू गुरिंदर गुरते। चलिए वहाँ जाके उनको विश करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। वाओ क्या डेकोरेशन किया। हैप्पी दिवाली गुरविंदर। हैप्पी दिवाली गाइस। हैप्पी दिवाली। वाओ कहाँ निहारी कहाँ है। हैप्पी दिवाली जीजू। हैप्पी दिवाली। दिवाली की लक लक बधाई हो। हैप्पी दिवाली न्यारी। हैप्पी दिवाली गाइस मामा। हैप्पी दिवाली बच्चा। हैप्पी दिवाली गाइस। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दिवाली की लक लक बधाई हो। गाइस हम सबके तरफ से आप सबको विश यू वेरी हैप्पी 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 दिवाली। हैप्पी दिवाली गाइस। चलो आज हैप्पी दिवाली। कितना क्यूट है। हैप्पी दिवाली मोनू भैया। गाइस होप करता हूं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और मम्मी पापा कुछ कहना चाहते हैं आप सबको। हैप्पी दिवाली सबको। दिवाली की शुभकामनाएं। गाइस मम्मी पापा की तरफ से आप सबको हैप्पी 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 दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की लक लक बधाई हो गाइस। होप पर तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ऐसी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो होप करता हूँ आपको आप ब्लॉग एंड तक देखिए, एक भी पार्ट स्किप मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।